अरे आशा बहन, बस देखने आई हूँ कि घर में किसी बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा। छुटकी को हल्का सा बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है ना। अरे फिर तो इसे लेकर तुरंत ब्लॉक या जिले के सरकारी अस्पताल जाओ। क्यों, बुखार शुरू ही तो हुआ है? अरे नहीं दीदी, कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। ये बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज कर सकता है और दिमागी बुखार में देर जानलेवा होती है। अरे बाप रे, मैं छुटकी को अभी लेके जाती हूँ। दिलदार नगर में आयोजित पूर्ण संपूर्ण थाना दिवस पर महज पड़े 3 प्रार्थना पत्र, SDM ने कार्रवाई का दिया निर्देश। सेवराई तहसील क्षेत्र के दिलदार नगर थाना आयोजित संपूर्ण थाना दिवस में 3 प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें 2 प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए यह राजेंद्र प्रसाद चौरसिया से संबंधित पुलिस कर्मियों या स्वराज कर्मियों के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जबकि प्रार्थना पत्र में माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगे होने के कारण उसे न्यायालय के आदेश के लिए जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान दिलदार नगर एहसान खान, चेयरमैन अविनाश जायसवाल, स्वराज निरीक्षक राकेश राय सहित अन्य स्वराज कर्मी इस संपूर्ण थाना दिवस के अवसर पर मौजूद रहे। कितने मामले आए हैं और कितने का निर्धारण? शासन के आदेशानुसार प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त टीम मौके पर ही शिकायती प्रार्थना पत्र को लेकर जाती है और वहां पर सुलह समझौते या विधिक प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई करके समस्या का समाधान कराती है। आज समाधान दिवस में कुल 3 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 शिकायती प्रार्थना पत्रों की जांच मौके पर राजस्व अधिकारी और पुलिस की टीम रही है। 1 शिकायती प्रार्थना पत्र में माननीय सिविल न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण बच्चों को यही बता दिया गया कि इसका समाधान थाना समाधान दिवस या तहसील दिवस से नहीं हो सकता है, इसको संबंधित न्यायालय में ही चाराजोई करके अंत प्राप्त किया जा सकता है।